तो जैसे हमारा लो डिमांड करता है, लो की हमने बात करी थी, इसलिए भी हमको फायर सेफ्टी का ट्रेनिंग का जरूरत है। तो ये बेनिफिशियल रहेगा हर एम्प्लॉइज के लिए, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि हम फायर सेफ्टी की ट्रेनिंग कराएं और सबको बताएं कि इसमें क्या क्या हो सकता है। जैसे हमने पहले बात करी थी 2005 सेक्शन 8 के अंदर ये लिखा गया है कि हर एक एम्प्लॉयर की ड्यूटी है कि आपने हम हर एक एम्प्लॉय को ट्रेन करना है, उसको बताना है कि इमरजेंसी में क्या क्या हो सकता है, इमरजेंसी के प्लान के प्रोसीजर क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या लगेंगे आपको, ठीक है, इमरजेंसी किस तरीके की हो सकती है, आप जहाँ पे काम कर रहे हो वहाँ पे फायर सेफ्टी के इक्विपमेंट कहाँ कहाँ पे है और कैसे उनको यूज करना है, वो सब यहाँ पे क्या क्या है फायर सेफ्टी का, देखो जरा अपने आस पास आवाज देगा, अलार्म देगा कि भैया यहाँ पे दिक्कत है, ये ऑपरेशनल नहीं है मेरे ख्याल से, बदल लेंगे। मैंने यहाँ खड़े खड़े बता दिया कि बंद है, इसका भी पहचान होती है, देखना इसकी पहचान होती है कि काम कैसे करेगा। जब भी नॉर्मल काम करता है ना तो इसमें जो लाइट है छोटी सी, इसमें एलईडी ग्रीन कलर में ऐसे चल रही है, रेड कलर से, तो ग्रीन कलर में रेड कलर में ऐसा फ्लक्चुएट करेगा बार बार बीच बीच में, जैसे हार्ट बीट चलती है ना ऐसे ऐसे करेगा। अगर वो है तो ये चालू है, अगर नहीं है तो ये चालू नहीं है। अभी बंद ही है तो क्या करना पड़ेगा, इस कमरे में आप कैसा लग बाउंडर आ जाएगा तब भी कुछ नहीं हो पाएगा, बंद है। तो हमारे फायर सेफ्टी के जो डिवाइसेस हैं वो प्रॉपर फंक्शनल होने चाहिए, ये हमारा पहचान है, ये हमारे डिमांड करते हैं लोग। ये लोग बोलते हैं कि जहाँ पे आप साइट के ऊपर काम कर रहे हैं वो साइट के ऊपर आप हमेशा सेफ रहें, उसको सेफ रखने के लिए कोई इशू नहीं। गाड़ी ना मेरी, कभी भी गाड़ी जरूरत पड़ सकती है रिस्क असेसमेंट के लिए।